महाराष्ट्र शासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हर वर्ष मुंबई में आयोजित होता है, जिसमें साहित्यिकी व कला क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने वाले साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें नागपुर रहवासी डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को भी अकादमी मुंबई द्वारा विष्णुदास भावे पुरस्कार से नवाजा गया। ज्ञात हो कि डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को यह पुरस्कार हिंदी नुक्कड़ नाटक संग्रह आओ अपना देश सवारे के लिए प्रदान किया गया। मुंबई के बांद्रा स्थित रंग शारदा सभा गृह में एक भव्य समारोह में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा के हाथों सम्मानित किया गया, जिसमें नगद धनराशि स्मृति चिन्ह व शाल श्रीफल से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में भजन सम्राट अनूप जलोटा, अभिनेता मनोज जोशी व प्रसिद्ध साहित्यकारों की उपस्थिति में डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को पुरस्कृत व सम्मानित किया गया। मशहूर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जी मेरे बीच में, कितनी सरलता और सहजता के साथ स्वयं मंच पर आ गए। हमारा सौभाग्य, अकादमी का सौभाग्य, हम सब साहित्यकारों का, एक ऐसा अभिनेता जो साहित्य संस्कृति और अभिनय का संगम जिसमें साथ है। बता दे कि पूर्व में भी डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को वर्ष 2016 व 17 में भी आओ मिलकर भारत जोड़े हिंदी नुक्कड़ नाटक संग्रह के लिए अकादमी मुंबई द्वारा पुरस्कृत व सम्मानित किया जा चुका है। ज्ञात हो कि डॉक्टर बालकृष्ण महाजन की अब तक 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने अब तक YouTube चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले 50 लघु नाटिका का लेखन, निर्देशन व अभिनय भी किया है। डॉक्टर बालकृष्ण महाजन ने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 117 बार रक्तदान करके अपने आप में एक मिसाल भी कायम किया है, जिससे आगामी आने वाली पीढ़ी उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर उनके नक्शे कदम पर चल सकती है।